पुण्यशोक जमनालाल जी बजाज के नाम से जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी भूमिका पुरस्कार से भी ज़्यादा जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता का नमस्कार करने की है। उसी भूमिका से मैं इन सब पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों का अभिनंदन करता हूँ और उन्हें कृतज्ञतापूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस समय के आपने देखा होगा कि इस समय के पुरस्कार में वैशिष्ट्य यह है कि इन सारे व्यक्तियों में महिलाओं के क्षेत्र में सबसे अधिक काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति से लेकर महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े इसका सबसे अधिक उन्होंने विचार किया और आखिरी में उनको ऐसा लगा कि यही एक तरीका है कि जिसके भरोसे हमारा लोकतंत्र चल सकता है। अभी भी हम उसी मुकाम पर हैं जिस मुकाम पर पहली बार थे। उन्होंने हमको बहुत बहुत धन्यवाद दिया भारत को कि उनको हमने मदद की। आज हमारा इच्छा ये है कि हम उनसे कुछ सीखें। संवाद और कॉम्प्रोमाइज़ के भरोसे सारी समस्याएं हल हो सकता है इस भूमिका को भी समझने की हमें ज़रूरत है। हम दोनों साथ मिलकर इस समाज को और दुनिया को एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ उनका मैं खास अभिनंदन करता हूँ और कृतज्ञतापूर्वक उन्हें नमस्कार करता हूँ। इस साल के पुरस्कृत महानुभावों में यह विशेषता है कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में महनीय कार्य किया है। आपने देखा होगा अभी इस जो क्रिकेट की हमारी मैच हुई और हम जीते, उसके आखिरी में फाइनल मैच में हमारे सारे 5 खिलाड़ियों ने वो जर्सी पहनी थी जिसमें उनकी माँ का नाम लिखा था और बाद में उन्होंने कहा कि माँ के आशीर्वाद से ही हम जीते। ये आशीर्वाद इस बच्चे ने सबसे पहले पाया और उसी के कारण आपने देखा होगा कि एक नया तरीका, एक नया खोज हमारे सामने आई। हमारे देश में आज भी हम जिस मुकाम पर हैं उसमें महिलाओं के साझेदारी तो छोड़ ही दीजिए, उनके प्रति आज जो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, इस भारत में देख रहे हैं, कहीं भी महिलाओं की सुरक्षा का सवाल समाप्त नहीं हुआ है। सुरक्षित महिला अलग चीज़ है, सुरक्षित महिला अलग चीज़ है। गांधी विनोबा जमनालाल जी और आपसे कहना चाहता हूँ माता जी जानकी देवी बजाज ने जो ध्यान दिया था वो स्वरक्षा पर दिया था, सुरक्षा से भी स्वरक्षिता के ऊपर गए थे, लिबर्टी को उन्होंने महत्व दिया था सिक्योरिटी से भी ज़्यादा। आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, इस क्षेत्र में भी हमें बहुत कुछ करने का बचा है। चारित्रवान समाज सेवकों की प्रतिष्ठा अगर समाज में नहीं होगी तो मैं आपसे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि उस देश की प्रगति हो नहीं सकती। आपने पढ़ा होगा कि नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं, हिंदी के एक कवि ने बहुत अच्छी कल्पना रखी। कवि की कल्पना है, कवि लिखता है कि इंदिरा जी की खून होने के बाद गांधी जी से स्वर्ग में मुलाकात हुई। गांधी जी ने इंदिरा जी से पूछा कि मेरा भी खून हुआ था, तुम्हारा भी हुआ, अपने देश की प्रगति कितनी हुई? बताने के लिए बहुत, उसने जवाब दिया कि देश की कितनी प्रगति हुई तो बताने के लिए बहुत साल बीत जाएंगे। एक ही उदाहरण देती हूँ, बापू जी अपने देश की खूब प्रगति हुई है, आप प्रार्थना के लिए जा रहे थे तब मारने वाले ने झुककर साष्टांग नमस्कार करने के बहाने आप पर पिस्तौल की सिर्फ 2 गोलियां छोड़ी थी, पर मेरे खून के लिए मेरे रक्षित ने ही मेरी मशीन गन खाली कर दी। हमारे देश ने इतनी प्रगति की है। बाद में राजीव गांधी की हत्या के लिए ह्यूमन बॉम्ब आया, आज तो ऐसे उदाहरण रोज हमको समाज में देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हमको ये सोचना पड़ेगा कि विज्ञान की प्रगति और बाकी की प्रगति इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए होगी या तो अंतर तो बहुत कम आ गया, अब हम डिस्टेंस मिनटों में गिनते हैं, घंटों में गिनते हैं, किलो का ऊपर माइल्स में नहीं गिनते। ये कि ना हमें ये नज़दीक आए, ये एक दूसरे से प्रेम से आलिंगन करने के लिए, कि एक दूसरे से लड़ने के लिए, इसको हमको सोचना पड़ेगा। इस चीज़ का, सारी समस्याओं का जवाब आप चाहते होंगे तो आपको शायद इन समाज सेवियों के जिंदगी में इन्होंने जो
कार्य किया उससे मिल सकता है, लेकिन हम वो चाहते ही नहीं। आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ नहीं करेंगे, चुप बैठेंगे तो क्या होगा, इसको ज़रा सोच लीजिए। कुछ न करने से भी खिल जाता है एजाज सुखद, चुप रहने से भी कातिल की मदद होती है। आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए और सिर्फ भाषण मत सुनिए, सिर्फ पुरस्कार देखने के समारंभ से वहाँ जाते समय एक चिंतन की भूमिका से जाइए। और मैं मानता हूँ कि इस पुरस्कारों से आपको एक भगवान कम से कम इतनी तो शक्ति दे और बुद्धि देगा कि आप इसके बारे में सोचने की शुरुआत करेंगे। मेरी धर्माधिकारी के नाते भगवान से इतनी प्रार्थना है। आपको सबको नमस्कार करता हूँ।